वेलकम टू शेक किचन गार्डन। आज हम बनाएंगे साबुदाना की बड़ा। और इसको तीन बार धो लिया। धो के देखिए इतना सा पानी, ऊपर में इतना पानी होना चाहिए, बस इतना सा पानी होना चाहिए। इसको भिगा दो, भिगा के 2-4 घंटे की रख दो। समझ गए? नहीं समझे तो फिर से देखिए शुरू से। जैसे कि आपने देखा था कि हमने पहले साबुदाने को भिगाया था, अब हम साबुदाने को तो भिगा के रखे हैं, लेकिन उसके लिए ना उसको जो हम जो बड़ा खाएंगे उसके साथ ना हम खाने के लिए एक मस्त चटनी बनाते हैं, जो कि मेरी मम्मी का स्पेशल है और मेरी मम्मी बनाती है। तो चलिए मम्मी, इसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। यहाँ आ जाइए मेरे पास, ठीक है? और अब बताइए इसके बारे में। ये देखिए, ये 10 रुपए वाला भुजिया सेव, ठीक है? थोड़ा सा इतना बड़ा एक अदरक का टुकड़ा, इसको लहसुन इतने 8-10, 2 हरी मिर्च, 1 छोटा प्याज, 1 टमाटर, 1 गांठी धनिया, 1 कटोरी दही। अब इसको देख रहे ना, इसी तरीके से आपको काटना है। बस पुदीना रहे तो पुदीना हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर आपका मन साफ है तो आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? आपका मन साफ होना चाहिए। ये सब डाल के आपको मिक्सी में पीस लेना है। आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे पीसते हैं, ठीक है? इतना मेरे को नहीं बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? हम जीरा पाउडर भी डालेंगे। देखिए, मेरी मम्मी ने बताया नहीं था इतना जीरा पाउडर डालना है, ठीक है? मेरी मम्मी थोड़ी सी भुलक्कड़ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे हाथ जोड़ के, लेकिन कोई बात नहीं। ये तो अभी डाल रहे थे, सब दिखा रहे हैं। नमक भी डाल रहे हैं, देखिए, ठीक है? थोड़ा सा काला नमक, ये डालने वाला रहता है घर में पीसते हैं। हाँ, काला नमक नहीं है, रेड सॉल्ट है ये, ठीक है? काला नमक नहीं है ये। हाँ, एक ही बात है, रेड सॉल्ट है, ठीक है? अब इसको एक बार चला। मेरी मम्मी एकदम जिद्दी है, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ मम्मी की जिद के लिए, लेकिन अब मम्मी इसको मिक्सी में मिक्स करेगी। मिक्स करने के बाद मिलते, बाय बाय। देखिए, ये हमारा मिक्सी में पीस चुका है। अब इसके अंदर हम डालेंगे भुजिया सेव। आप सब चौंक गए होंगे ना, लेकिन अभी आपको फिर से इसको चलाना है एक बार, ठीक है? आप सब एक साथ नहीं चला सकते, आपको अलग अलग चलाना है। देखिए, वो हो गया था। अब इसके अंदर पूरे दही को डाल देंगे हम, ठीक है? इस तरीके से चम्मच से निकालेंगे अभी और मिक्स कर लेंगे, मतलब मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। बस एक बार चलाएंगे अच्छे से, पूरा एकदम अच्छे से मिक्स हो जाएगा मिक्सी में, ठीक है? ये इसका टेक्सचर हो गया। अब देखिए, खाने में बहुत टेस्टी है यार, तुम नहीं समझोगे। जब तक बनाओगे नहीं तब तक नहीं समझोगे। इसको अच्छे से झाड़ पोंछ के अपन बाद में देखेंगे, ठीक है? कुछ इस तरीके का दिखता है और टेस्ट एकदम मस्त लगता है। मैं चोरी करना चाहता हूँ, पर नहीं, खाना खाते समय। देखिए, आप लोगों को याद होगा कि हमने साबुदाना को भिगाया था, 3-4 घंटे हो गए, ठीक है? और देखिए, ये कितना खूबसूरत हो गया। देखिए, फोकस भी नहीं लेता, देखिए कितना प्यारा है ये। अभी मैं खाऊंगा। हाँ, इसमें मतलब झहराने के बाद 1 घंटा हमने पानी झहराया अच्छे से, ताकि इसमें से पूरा मॉइस्चर निकल जाए और ये एक एक हो जाए अलग अलग। देखिए कितना प्यारा है ना। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे। चलिए मम्मी, शुरू करते हैं यहाँ से। 4 हरी मिर्च चॉप कर लिया, 1 गांठली धनिया, नींबू लगेंगे 1 ठो, मगर इसमें नींबू रस कम है तो आधा ले लिया। आगे बोलिए। अदरक एक इतना बड़ा टुकड़ा चॉप कर लिया, 4 छोटे आलू ले लिया, 1 कटोरी फल्ली को दरदरा भून के थोड़ा सा पीस के दरदरा कूट लिया, ठीक है? और इसमें क्या है? इसमें जीरा पाउडर और ये थोड़ा सा चिल्ली फिक्स डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक, अच्छा सा नमक, ठीक है? समझ गए। चलिए, सबसे पहले हमको डालना है अदरक। कभी कुछ भी सब डालो, ठीक है? कभी भी कुछ भी डालो, मतलब सब डाल के मिला दो, बस ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ठीक है? लेकिन क्या सब मिलाना है वो आपको देखना है और समझना है, ठीक है? ये मिल रहा है धीरे धीरे, नमक डल रहा है स्वाद अनुसार, ठीक है? समझ गए आप, क्योंकि इसमें हम डालेंगे रॉक सॉल्ट। हाँ, रॉक काला, काला नहीं, लाल है ये, ठीक है? इतना बड़ा बड़ा डाला वो पादा नमक नहीं है ये। हाँ, वही है पादा नमक, ठीक है? अच्छा, इसको मतलब खाने के बाद पादा आता है? अच्छा, ठीक है, चलिए चलिए, सॉरी फॉर द जो भी। आधा चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच ये डाले हमने चिली फ्लेक्स। और उसके बाद अब ये डालेंगे हम आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, जीरा पाउडर, मुझसे गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? आई एम सॉरी बाबू, ठीक है? अब और क्या डालेंगे इसमें हम? ये हम डालेंगे
ठीक है, आप जान गए क्या डालें। और ये मैश मैश करना है पोटैटोस को। अरे सब मैश कर दीजिए ना एक साथ पहले, हाँ फिर मिलाते रहेंगे ना बाद में। नींबू भी डालेंगे अभी, इसको पहले मैश कर दो। ठीक है चलिए, इसको अभी मिलाएंगे पूरी तरीके से, मिलाने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये ऐसे मैश होने के बाद हमने इसमें नींबू डाल रहे हैं। देखिए नींबू का हमारे रस कम है, लेकिन आपको अच्छा रसीला एक ठो पूरा नींबू डालना है। ठीक है, इतना नींबू डालना है कि एक ठोक नींबू का रस हो। ठीक है, इतने में कभी भी ना नींबू जो होता है ना उसको ना ऊपर से अलग से डाला करिए, उसके बाद मैश किया करिए। सब कुछ होने के बाद आखिरी में नींबू डाला करिए, ताकि ना नींबू का थोड़ा सा जो फ्लेवर है ना वो अलग से आए। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके गोल गोल लड्डू टाइप के बना लेंगे। इसको मिलाने के बाद हमने नींबू डाला था, उसके बाद ऐसे लड्डू बनाना है हमको बहुत सारे। ठीक है, इस तरीके से हमको लड्डू बना बना के जितना भी, हाँ ये लड्डू बनाने के बाद हम आपको बताएंगे क्या करना है। ये ऐसे हमने गोल गोल कर लिए, अब इसको हमको चेपटा करना है। ऐसे, ये देखिए ऐसे हाथ, हाँ ये आपको अपने पाम को ऐसे रखना ऐसे, है और ऐसे करके दबाना है। ठीक है, ऐसे कर करके आपको पूरा चेपटा करना है इसको। ठीक है, ताकि पूरे चारों तरफ ये फैल जाए अच्छी तरीके से, ऐसे मतलब फट ना जाए। बीच में उखड़ा है, हाँ चारों तरफ पतला है, बीच में उभरा रहेगा और चारों तरफ पतला रहेगा, ताकि ना फट ना जाए। अगर ऐसे दबा देंगे आप जोर से तो ये साइड साइड से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मस्त अच्छे से पूरा करना है। ठीक है, अब आगे हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर के अंदर। इस तरीके से हमने इसको कर लिया था। ठीक है, और हमने तेल को ना गरम कर लिया है। गरम करने के बाद हम इसको मीडियम पे रखेंगे, मीडियम जो फ्लेम मीडियम में रखेंगे, और कोशिश करिए कि लोहे की कढ़ाई में आप इसको तलें। ठीक है, इसका क्रिस्पीनेस बहुत अच्छा होता है, और तल के हम आपको मिलते हैं इसको। आपने देखा था ना हमने इसको डाला था, तो इसको ना आधा कुक करके हमको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, इसको ना बिल्कुल भी टच नहीं करना है। आप जैसे इसको डालते हैं ना, तो इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है आपको। इसको पूरा पकने देना है जब तक ये पक रहा है, 2 मिनट एक तरफ, फिर उसके बाद 2 मिनट एक तरफ आपको पकाना है, क्योंकि ना ये टूट जाता है इसको थोड़ा छेड़खानी करने से। तो आपको अच्छे से थोड़ा सा वेट करना है, और फिर उसके बाद इसको पलटना है, उसके बाद इसको आधा ही पकाना है और बाहर निकाल लेना है। बाकी जब पूरा हो जाए फिर इसको दोबारा कुक करना है आपको। ये जो है ना, ये मैंने तेल पूरा झरा लिया है। ठीक है, उसके बाद फिर से हमको फिर से तेल में ही डालना है, एकदम तेज आंच, और एकदम तेज आंच में डालना है। ठीक है, इससे क्या है इसमें क्रिस्पीनेस आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमने डाल दिया तेल में, पुराना वाला पहले डालोगे। ठीक है, जितने मतलब लाइन से डालना है आपको, आपको पता ही होगा कि कौन सा पहले आपने डाला होगा, तो उस हिसाब से आपको सब डालना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे साबूदाना का बड़ा जो है तैयार हो चुका है। ठीक है, और पीछे और प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसका फाइनल लुक दे देते हैं। देखिए कितना मस्त लग रहा है ये एक्चुअल में बहुत टेस्टी होता है। अगर आप साबूदाने का बड़ा खाते हैं आपको पता ही होगा कैसा होता है। अब ये हमारा स्टाइल है बनाने का, अगर आपको पसंद आए देख के तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई दीजिए हमारे साबूदाने के बड़ा का। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।